अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर। आज की इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी कुछ एक्सरसाइजेज जो लेटेस्ट रिवाइज से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो लेटेस्ट रिवाइज में आपको कोई बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो आई जे के एल तक जानी है, मैंने यहाँ पे फिलहाल जी तक की जितनी एक्सरसाइजेज थी वो एक्सप्लेन की। अगली वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पहली एक्सरसाइज आपकी एड वॉवल्स, उसमें आपको वर्ड्स दिए हुए और उनमें आपको वॉवल्स ऐड करना है। पहले आप ये समझ लें कि वॉवल्स हैं क्या। बेटा वॉवल्स इंग्लिश के वो खास अल्फाज हैं जो ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड्स में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप गौर करें तो ऑलमोस्ट 95% ऑफ इंग्लिश वर्ड्स में आपको वॉवल्स दिखेंगे। आप जब वर्ड बनाने शुरू करेंगे तो आपको हर वर्ड में वॉवल दिख रहा होगा। जैसे अभी यहाँ पे जितने वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, आपको इन सब में वॉवल दिख रहा होगा। लेकिन लाजमी नहीं है ऐसा कि हर वर्ड वॉवल से ही बनेगा, कुछ वर्ड वॉवल के बगैर भी बनते हैं। जैसे my, तो इसमें आपको वॉवल नहीं दिख रहा। लेकिन ज्यादातर अभी आप जितने वर्ड दिखा रहा हूँ, ये एड में देखें ए वॉवल आ गया, वॉवल में यहाँ ओ वॉवल आ गया, ठीक है, चिल्ड्रन में देखें ई वॉवल आ गया। तो ये वॉवल्स इसलिए बहुत खास है। क्या है वॉवल? आप क्लास वन से पढ़ते हुए आए, ए ई आई ओ यू, बस ये पांच वॉवल्स हैं, इनको यूज करना है। मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल्स रखी है। एक यहाँ पे वर्ड दिए हुए जी एन टी एल ई। अब आपने अपने वॉवल्स को रिवाइज करना और सोचना है मैं इसमें से कौन सा वर्ड लगा सकता हूँ। तो जी ए एन टी एल ई कोई सेंस बन रहा है, कोई वर्ड बन रहा है? नहीं बन रहा। ए के बाद आया ई, जी ई एन टी एल ई, जेंटल, जी ए बन रहा है तो ई लगा ली, ठीक है जी। इसी के बाद हम यहाँ पे हम देखते हैं एफ एम एल वाई। वैसे तो वर्ड पढ़ने से ही पता लग रहा है कि फैमिली जैसा है, लेकिन अगर आप वॉवल्स को सर्च करेंगे ए ई आई ओ यू तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे ए लगा देंगे, एफ ए एम आई एल वाई, फैमिली, ठीक है। कुछ बच्चों के जहन में कुछ और वर्ड्स भी आ सकते हैं, जैसे उनके जहन में आ सकता था फर्मली। फर्मली मतलब जो हम ग्रिप से पकड़ते हैं ना, फर्मली, तो आप कर सकते हैं एफ आई आर एम आई वाई, लेकिन क्योंकि यहाँ आर नहीं है इसलिए मैंने फैमिली वाला वर्ड यूज किया, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी इसके जो जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी आप इसी तरह से कर लेंगे। वॉवल्स आपने ऐड कर, वॉवल्स कौन से? ए ई आई ओ, बस इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए यहाँ पे ब्लैंक्स आपकी सारी कंप्लीट हुई। दूसरी एक्सरसाइज है ऐड कॉन्सोनेंट्स। बेटा ये जो मैंने आपको पांच अल्फाबेट बताए ए ई आई ओ ई, इसके अलावा जितने अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट में हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो अब आपने दूसरी एक्सरसाइज में वॉवल्स को छोड़ के कॉन्सोनेंट यूज करने और वर्ड्स बनाने। जैसे यहाँ पे ओ एन डी आर एफ यू एल, अंडरफुल अगर मैं ऐसे पढ़ूँ तो आप खुद सोचे अगर मैं ऐसा कौन सा वर्ड लगाऊँ, कौन सा अल्फाबेट लगाऊँ कि ये वर्ड कंप्लीट हो जाए। हिंट क्या है कि यहाँ वॉवल नहीं आएगा, वॉवल के अलावा कुछ भी आ सकता है, तो मैं डब्ल्यू लगा लेता हूँ, वंडरफुल बन गया, ठीक है जी। इसी तरह दूसरा वर्ड देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है हिल्ड्रन, तो आपको हिल्ड्रन से मिलता जुलता वर्ड कौन सा दिख रहा है? चिल्ड्रन दिख रहा है जिसमें सी और एच आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। हिंट ये है कि यहाँ पे वॉवल नहीं आएगा, एक ही आई ओ नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है। पार्ट सी में कह रहे हैं टिक द करेक्ट सेंटेंस और जो रॉन्ग है उसको वापस करेक्ट करके लिखें। तो मैंने आपको यहाँ पे एक ही एग्जांपल समझाई है, यू वेलकम टू माय हाउस, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? अगर करेक्ट होता तो मैं इस पर टिक लगा देता, रॉन्ग होगा तो मैं नीचे उसे करेक्ट करके लिखूंगा। रॉन्ग ये इसलिए बेटा क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। आप याद रखिएगा दुनिया का कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुना दूं इससे रिलेटेड। एक बच्चा था, उसको टीचर इंग्लिश के टीचर समझा रहे थे कि बेटा वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस बन नहीं सकता, आप बना के दिखाओ। तो बच्चा कहने लगा सर मैं बना दूं, आया उसने बोला सर आई फूड। अब बताइए इसका कोई सेंस बन रहा है? मैं फूड, जब तक बच्चा ये नहीं बोलेगा ना आई ईट फूड या आई वॉन्ट फूड तब तक सेंटेंस बनेगा नहीं। तो टीचर ने उसको बड़ा समझा, बेटा नहीं बन रहा, सेंस नहीं बन रहा, सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा। तो उसने कहा मैं घर जाऊंगा, सोच के आऊंगा और बताऊंगा। वो घर गया अपनी अम्मी के पास, उसने बोला आई फूड। अम्मी कह क्या हो गया बेटा, क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। मॉम आई फूड, नहीं आ रहा। फिर उस बच्चे ने इशारा किया, कहा मॉम आई फूड। तो अम्मी ने कहा ओ मेरे बच्चे तुम्हें खाना चाहिए, ठीक है मैं खाना दे। बच्चा खुशी खुशी सर के पास गया, जाके बोलेगा सर देखे मैंने ऐसे किया मॉम आई फूड, तुमको समझ आ गया। तो सर ने कहा अबे भाई ये जो आपने इशारा किया क्या ये वर्ब नहीं है, क्या ये एक्शन नहीं है? तो इससे हमें पता ये चला कि अगर हम वर्ब वर्ड यूज नहीं करेंगे तो हम एक्शन यूज कर रहे हैं, वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे भी वर्ब था यू आर वेलकम टू माय हाउस,
वो आर मैंने लगाया नहीं, मैंने करेक्ट करके लिख लिया, ठीक है। अच्छा बात करते हैं एक्सरसाइज बी की, इसमें कह रहे हैं रीअरेंज करें, वर्ड्स लिखे हैं लेकिन गलत ऑर्डर में लिखे, हारिस एग ब्रेकफास्ट हेड फॉर एग, गलत ऑर्डर। ऑर्डर सही होता है कि सबसे पहले काम करने वाला आता है, तो काम करने वाला कौन है, हारिस, ठीक है। हारिस के बाद आएगा वर्ब, इस पूरे सेंटेंस में वर्ब काम है, ये रहा वर्ब हैड, तो आपको लिखना चाहिए था हारिस हैड। क्या था हारिस के पास, एग था। अब एग से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे एन, राजी बात है, हम एन एग कहेंगे ना, तो हारिस हैड एन एग, ठीक है। तो सेंटेंस बनाते हुए क्या करते हैं, सबसे पहले काम करने वाला सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट यानी जिस पे काम किया है, तो एग पे काम किया, हारिस हैड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट। इसी तरह इसके रिमेनिंग क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। आपने अरेंज करना है, याद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अगली एक्सरसाइज है अंडरलाइन द नाउंस, कह रहे हैं इसमें जो नाउन है उसे अंडरलाइन करें। बेटा नाउन हर वो वर्ड जो किसी का नाम बता रहा, भले वो किसी बंदे का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, या किसी चीज का नाम हो, अगर वो नाम बता रहा है तो वो नाउन है। जैसे इस सेंटेंस में आई सॉ अ स्ट्रेंजर इन द पार्क, तो ये जो पार्क है क्या ये नाउन है, जी नाउन है, क्योंकि किसी जगह का नाम बता रहा है। आई सॉ अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी की बात हो रही है, नाम है ना ये भी एक अजनबी, मैंने किसी की तरफ इशारा किया, तो ये भी नाउन है, ठीक है जी। आप कह सकते हैं कि सर आई भी नाउन, लेकिन आई नाउन नहीं, इसे हम प्रोनाउन कहते हैं, नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन नहीं किया, ठीक है। इसी तरह इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला पार्ट है एफ, एफ में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करनी है वर्ब के हेल्प से, ठीक है जी। तो लिखा हुआ रजास मदर इज डैश टू विजिट हिम, पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं, क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस होते हैं जो अभी के बारे में बताएं, तो रजास मदर इज कह रहे हैं मतलब अभी की बात चल रही है, तो इसमें वर्ब भी प्रेजेंट वाला ही लगेगा। यहाँ दो वर्ड दिए हैं, एक दिया हुआ केम, एक दिया हुआ कमिंग। आपने ये बेसिक क्लासेस में पढ़ा था कि हर वर्ब की एक पास्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, जैसे कम या कमिंग अभी की फॉर्म है, केम पुरानी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म, इसी तरह पढ़ा। अब हम यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट यूज हुआ है, इज यूज हुआ है, इसलिए हम कमिंग यूज करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वी डैश द गोलंडा फोर्ट यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल की बात कर रहे हैं, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, तो अंदर वर्ब भी कौन सा यूज होगा, पास्ट वाला यूज होगा। अब आपने डिसाइड ये करना है कि विजिट पास्ट वाला है या विजिटेड पास्ट वाला है, या आपने तीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब बेसिक क्लासेस में पढ़ के हैं, तो ऑफ कोर्स विजिटेड पास्ट वाले, तो विजिटेड यहाँ लिख रहे हैं। इसी तरह से इसके रिमेनिंग क्वेश्चन, ठीक है। आखिरी एक्सरसाइज है आपकी फिल इन विद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया नाउन, नाउन कहते हैं किसी भी ऐसे वर्ड को जो किसी के नाम, चीज, जगह या जानवर का नाम बताए। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है कि भाई वो नाउन कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है। जैसे मैं कह रहा हूँ अली, तो अली अगर स्मार्ट है तो ये स्मार्ट एडजेक्टिव है। मैं कह रहा हूँ कराची, कराची अगर बिग है तो मैं कराची की क्वालिटी बता रहा हूँ ना। तो अगर मैं किसी में नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बताने के लिए कोई वर्ड यूज करूँ तो उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, कामरान वेयर्स डैश यूनिफॉर्म फॉर कराटे, कामरान डैश यूनिफॉर्म पहनता है कराटे के लिए, तो यूनिफॉर्म मेरा नाउन है। अब मुझे यूनिफॉर्म की क्वालिटी बतानी कि यूनिफॉर्म कैसा होगा। अब आपने जरा सोच रहे हैं कि कराटे का यूनिफॉर्म है तो उसका कलर के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो कलर कैसा होगा उसकी हिंट उन्होंने आगे दी है, देखे आई टी ई डब्ल्यू एच, अगर आप इसको जरा रीअरेंज करो तो आपको दिखेगा व्हाइट, कामरान वेयर्स अ व्हाइट यूनिफॉर्म। अगर इन्होंने यहाँ हिंट नहीं दी होती ना तो फिर आप ब्लैक लेके, पर्पल लेके, कुछ भी लेके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंट दी गई तो इसलिए हमने इसके मुताबिक वाइट लिख दिया। अगला डैश डॉग्स हैड टू शेल्टर, कह रहे डैश डॉग्स को शेल्टर करना था, और आगे उन्होंने हिंट दी गई आर टी ए वाई एस। आप जरा इनको अरेंज करेंगे तो आपको वर्ड दिखेगा स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स कौन से होते हैं, जो बाहर फिर रहे होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स लिख सकते, तो मैंने डॉग्स को डिफाइन किया ना, डॉग्स की क्वालिटी बताई ना कि कैसा डॉग होता है, घर में पलने वाला है, जंगली है या बाहर फिरने वाला है, इसकी क्वालिटी बता रहा, इसलिए यहाँ स्ट्रे लिख दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई हो, शुक्रिया।